से भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी। NO2- भी जो था MB files था, वैसे ही यहां पर अगर हम बात करेंगे तो MB dentate होगा, यानी एक से ज्यादा डोनर एटम होंगे लेकिन एक टाइम पर एक ही आदमी डोनेट कर पाएगा। तो लिखिएगा, लिगेंड्स हैव टू डिफरेंट डोनर साइट बट डोनेट वन लोन पेयर एट अ टाइम बट डोनेट वन लोन पेयर एट अ टाइम एक टाइम पर एक ही लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। क्लियर है मामला? अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास NO2 है और मैंने एरो ये बनाया, तो इसका मतलब है कि मेरा डोनर एटम कौन है? यहां पे नाइट्रोजन है सर, बनाइए। और इसी NO2 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, तो अब मेरा डोनर एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। अगर N से डोनेट हो रहा है तो NO2 के लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्राइटो। क्या यूज करेंगे? नाइट्राइटो। तो अगर N से डोनेट कर रहे हैं तो बोलेंगे नाइट्राइटो N, और यहां बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। लिखिए सर, नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो ओ। अब एक्चुअली में ये क्या होता है, लिखा तो हुआ है NO2, लेकिन असलियत में ये लोग हैं क्या? NO2 माइनस। क्या है सर? NO2 माइनस। इसी का एक और नाम है, इसी को लिखा जाता है नाइट्रो। अगर N से डोनेट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? नाइट्रो। माइनस वन तो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर O से डोनेट हो रहा है तो केवल आप क्या लिख सकते हैं? नाइट्राइटो। क्या लिख देंगे तब? नाइट्राइटो। याद रखना है सर, ये तो आसान है। नाइट्राइटो लिखना है तो नाइट्राइटो N लिखो, नाइट्राइटो O लिख दो। असलियत में तो O दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसी को नाइट्राइटो लिख दिया जाता है। और अगर नॉर्मली लिखना है तो NO2 को नाइट्रो बोल लेते आप, तो इसको नाइट्रो बोल दो, और अगर O से डोनेट कर रहे हो तो नाइट्राइटो बोल दो। तो पहला तुम्हारा एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन हुआ? NO2 माइनस। तो यहां साइड में लिख लीजिएगा, पहला आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड जो है वो कौन है? NO2 माइनस। क्लियर है? दूसरा है बेटा CN माइनस, दूसरा है CN माइनस। CN माइनस में भी दो डोनर साइट्स होंगी। कैसे बनाया जाता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा यहां पर। तो सेम एज अगर इसको दूसरी बार बना दें तो CN माइनस है, नाइट्रोजन का लोन पेयर दिखा रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन से हम डोनर साइट लेंगे। एरो बना लीजिएगा, यहां कार्बन से डोनेशन माना जा रहा है, यहां नाइट्रोजन से माना जा रहा है। अगर कार्बन से डोनेट करो तो साइनो बोलो। क्या बोलोगे?
साइनो, और ये माइनस वन समझ में आ रहा होगा, एक बटे साइनो नहीं है, साइनो मतलब कि सीएन पर माइनस वन है, क्लियर है मामला। यहां पर आएंगे एन से डोनेट करेंगे तो लिख देंगे आइसो साइनो, क्या लिखेंगे बेटा आइसो साइनो। तो दो आपने पढ़ ली है, पहला एनओ टू माइनस, दूसरा सी एन माइनस, चार नंबर का सवाल डायरेक्ट आता है इस पर। एनओ टू माइनस की अगर बात करेंगे, आपके पास दो डोनर साइट है, या तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से। अगर नाइट्राइटो के टर्म में लिखना है तो नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, या केवल नाइट्राइटो लिख दो, तो इसी को केवल नाइट्राइटो लिखते हैं। अगर इसे नाइट्राइटो नहीं लिखना है तो आप इसे नाइट्रो लिख सकते हैं। सी एन माइनस में दो डोनर साइट, एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन की तरफ से, और दूसरा नाइट्रोजन का लोन पेयर। कार्बन की साइड से अगर दे रहे हैं तो साइनो लिखिए, नाइट्रोजन की साइड से दे रहे हैं तो आइसोसाइनो लिखिए। तीसरा है सर एस सी एन माइनस, एस सी एन माइनस, यहां पर भी दो डोनर साइट से। अब जरा मुझे ये बता दो, अगर तुम इसके हिसाब से बनाते तो क्या स्ट्रक्चर ये होता दोस्त? देखो सल्फर का एक ही बॉन्ड पूरा हो पा रहा है ना, ऑक्सीजन फैमिली का दो बॉन्ड चाहिए, कार्बन ने पूरे चार कर लिए, नाइट्रोजन ने पूरे तीन बना लिए हैं। आप नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऐसे ही एक बार और बना दो इसको। तो स्ट्रक्चर बना के इसलिए दिखा रहे हैं कि आसानी से पता रहे, एक बार सल्फर से डोनेशन कराना, एक बार नाइट्रोजन से। सल्फर से कराओगे तो बोलोगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, तो भाई जैसे नाइट्रोजन से यहां कराने पर आइसो लिख दिया था, यहां भी आइसो यूज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? आइसो थायो साइनेटो। आइसो थायो साइनेटो एक नाम तो ये है, दूसरा नाम ये है कि अगर आपका मन है कि नहीं हमको थायोसाइनेटो ही लिखना है मात्र, तो हम इसको दूसरा नाम लिख सकते हैं, फिर हम डोनर साइट लिख देंगे। तो लिखेंगे सल्फर की साइट से थायोसाइनेटो एस, यहां लिखेंगे थायोसाइनेटो एन। दूसरा वाला नाम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है सर कि वो इस बात को साफ साफ बता रहा है कि डोनर एटम कौन है ना, तो केवल नाम के लिए होता है। आप यहां भी माइनस वन लिखेंगे जिससे याद रहे कि माइनस वन था। तो तीन हो गए सर आपके एम्बिडेंटेट लिखे, सी एन माइनस, एनओ टू माइनस और एस सी एन माइनस, क्लियर है मामला? एक बार सबके नाम देख लो फटाफट। क्योंकि स्ट्रक्चर आता है इंपॉर्टेंट है सर। चलें सर, NO2 माइनस, अगर NO2 माइनस में नाइट्रोजन डोनर एटम है तो क्या हम उसे नॉर्मली नाइट्रो लिख दें? और अगर NO2- में ऑक्सीजन डोनर एटम है तो क्या हम उसे नॉर्मली नाइट्राइटो लिख दें? लेकिन अगर हमें दोनों को ही नाइट्राइटो लिखना है तो नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, बहुत आसान है सर। CN- में दो डोनर साइट्स हैं, या तो कार्बन या नाइट्रोजन। कार्बन के साइड से अगर करेंगे तो बोलेंगे साइनेटो,
नाइट्रोजन के साइड से अगर देंगे तो बोलेंगे आइसो साइनो, सॉरी साइनो और आइसो साइनो। HCN माइनस, दो डोनर साइट, एक सल्फर दूसरी नाइट्रोजन, अगर सल्फर की साइट से लिखेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन की साइट से लिखेंगे तो आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर है मामला? लेकिन अगर हमें केवल थायोसाइनेटो में लिखना है तो हम लिखेंगे थायोसाइनेटो एस थायोसाइनेटो एच। क्लियर है मामला? चौथा है सर H2O3-2, H2O3-2, बगल में इसका नाम लिख लीजिएगा थायोसल्फेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? थायो सल्फेट आयन। थायो सल्फेट आयन स्ट्रक्चर बनाइए सर, देखें क्या बनाते हैं। H2O3-2, दो तो लगा दो डबल बॉन्ड हो, बचा एक ओ और एक एस, चार्ज है -2। एस माइनस ओ माइनस। अच्छा एक बात तय है कि अगर जिस पर निगेटिव चार्ज है डोनर एटम वही बनेगा। बोलो भैया, तो है तो दो डोनर एटम, सल्फर और ऑक्सीजन। आप या तो सल्फर की साइड से डोनेट कर दो और या ऑक्सीजन। नाम बड़ा आसान है सर, अगर सल्फर की साइड से कर रहे हैं तो अब लिखेंगे थायो सल्फेटो, दोनों में लिखा जाएगा, बस यहां लिखेंगे थायो सल्फेटो एस और यहां लिख देना थायो सल्फेटो ओ, और आप चाहो तो केवल थायोसल्फेटो भी लिखोगे तो चलेगा सर, है ना, वो दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगला है C2H2O2-2, थायो ऑक्सलेट आयन। नॉर्मल नाम इसका क्या है? थायो ऑक्सलेट आयन। थायो ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन C2O4-2 होता था, दो ऑक्सीजन हटा के दो सल्फर लगा दिए गए। बनाइए स्ट्रक्चर, देखिए क्या बनता है। दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है सर, पहला तो ये है कि आप इस प्रकार से दो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ओ की तरीके रखिए और दोनों सल्फर पे चार्ज क्या रख दीजिए, माइनस। ठीक है ना, इसी का दूसरा भाई है। अब सल्फर को डबल बॉन्ड में ले लो और दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन जैसे बना लो, ओ माइनस। ऑक्सलेट आयन जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि एक टाइम पर दो लोन पेयर देता है सर। तो यहां पर क्या होगा कि दोनों डोनर एटम सेम रहेंगे। बोलो सर, तो सल्फर देगा, यहां कौन देगा, ऑक्सीजन। तो इसके लिए नाम बड़ा आसान है, लिखेंगे थायो ऑक्सलेटो और सल्फर दे रहा है तो क्या लगा देंगे, एस, और अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो क्या लगा दोगे, ओ।
याद रखना है तुम्हें दिखाने के लिए मैं एस और ओ यहां लिख रहा हूं, दो बार ओ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, थायो ऑक्सिलेटो लिखकर भी काम चलाया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब थायो ऑक्सिलेटो लिख रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि उस समय ऑक्सीजन डोनर एटम होगा। जब आप सल्फर से करेंगे तो आपको डिनोट करना पड़ेगा कि सल्फर दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है तो ये निगेटिव चार्ज सल्फर से होता हुआ ऑक्सीजन तक जाता है, तो दोनों स्ट्रक्चर हमने यहां पर बना रखे। एक बार रिवाइज कर लो। पांच पढ़े हैं तुमने, है ना? अब एक टर्म आएगा एनओ, पढ़ाया आपने एनओ लिगेंड है। एनओ अलग से इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर है। एनओ जिसे ऑड इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड भी बोला जाता है, तो इसको आराम से आपको याद रखना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है ये, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है। इसका क्या मतलब है सर? अगर कहीं पर दो एनओ लगे हैं तो हम वहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन छह मानेंगे जो डोनेट किए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो उसको अलग से इसीलिए लिखवाया है कि उसको आपको ध्यान रखना है। अगला हेडिंग है सर, इसमें टर्म है, अगर वो टर्म आपकी समझ में आ गए तो बाकी की कहानी समझ में आ जाएगी। अगला है चिलेटिंग लिगेंड। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, चिलेटिंग मतलब ऐसा लिगेंड जो रिंग बना दे, और रिंग केवल वही बना सकता है जिसके पास जिसकी डेंटिसिटी दो या दो से ज्यादा होगी, वही रिंग फॉर्म करेगा। इतना आपने पीछे पढ़ रखा है। और जब वो रिंग फॉर्म करता है तो इसका मतलब उस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? और वो कंपाउंड को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पढ़ाया है कि इसका मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो उतना ज्यादा फंसा रहेगा लिगेंड्स के बीच में, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो लिखिएगा, लिगेंड्स हैव मोर देन वन डेंटिसिटी, लिगेंड्स हैव मोर देन वन डेंटिसिटी कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड जिनको किनको बोला जाता है? जिनकी डेंटिसिटी एक से ज्यादा हो, दो तीन चार पांच, तभी साइकिल बनेगा। चिलेशन मतलब मैंने बताया था रिंग का बनना, है ना? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, फंसा रहेगा तो स्टेबल रहेगा, इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज चिलेशन इफेक्ट, इज कॉल्ड एज चिलेशन इफेक्ट स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आइडेंटिसिटी ऑफ लीगेंट, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी की। कुल मिलाकर कहानी वही है, केवल लिखाई जा रही है। चिलेटिंग रिंग का मतलब क्या होता है, साइकिल का बनना, रिंग का बनना। रिंग तब बनेगा जब कम से कम दो हाथ से किसी को पकड़ोगे, तभी ना साइकिल बनेगा सर। तो इसका मतलब है, हाथ मतलब क्या है, डेंटिसिटी, यानी कि जो लीगेंट अपना लोन पे डोनेट करता है। तो ऐसे लीगेंट जिनके पास एक से ज्यादा हाथ हो, यानी एक से ज्यादा डेंटिसिटी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लीगेंट। ऐसे चिलेटिंग लीगेंट क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसको फंसाए रखते हैं, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। सीधा सा फंडा है, ज्यादा से ज्यादा साइकिल बन रही है सर। और ये क्यों बन रहा है, तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ गई, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंटिसिटी ऑफ लीगेंट। जितना ज्यादा डेंटिसिटी वाला लीगेंट हमारे पास होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर है मामला। अगला टर्म है फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंट। फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंट, अब सुनिएगा सर इस टर्म को, थोड़ा सा पांच मिनट का मामला है। एम्बीडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट में अंतर है सर। एम्बीडेंटेट में एक से ज्यादा डोनर साइट होती हैं, बात समझिएगा, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी मोनोडेंटेट की है तो एक टाइम पर एक ही आदमी अपना लोन पर डोनेट करेगा, यानी अपनी डेंटिसिटी को वो गड़बड़ नहीं करता। यहां पहले ही टर्म लिखा हुआ है फ्लेक्सी, यानी ऐसे लीगेंट जिनकी डेंटिसिटी क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, यानी मौका पड़ेगा तो हो सकता है चार लोन पे डोनेट करें, और अगर जरूरत नहीं है तो दो करेगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो एक करेगा। यानी जो अपनी डेंटिसिटी को, यानी अपने लोन पेयर डोनेशन को बदल सके, यानी कि वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि वो किस मेटल आयन के साथ कितना लोन पे डोनेट करना चाहते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंट। लिखिएगा, दोज लीगेंट्स विच चेंज देयर डेंटिसिटी, विच चेंज देयर डेंटिसिटी कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंट। सारे लीगेंट नहीं आएंगे इस कैटेगरी में, कुछ ही लीगेंट होंगे जो अपनी डेंटिसिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे सर एग्जाम्पल लिखिएगा, EDTA माइनस फोर, EDTA माइनस फोर, SO4 माइनस टू, CO3 माइनस टू, CH3 COO माइनस, H2O3 माइनस टू, H2O3 माइनस टू आपने पढ़ रखा है एम्बीडेंटेट में भी। यहां पर यानी कि एम्बीडेंटेट में वो बाइडेंटेट की तरीके ही काम करेगा, बस केवल सल्फर की बजाय ऑक्सीजन से डोनेशन हो जाएगा, देगा तो ही लोन पेयर। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब ये है कि है बाइडेंटेट लीगेंट, लेकिन कभी हो सकता है दो लोन पेयर दे और कभी हो सकता है एक लोन पेयर डोनेट करे, तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में ले रहे हैं, फ्लेक्सीडेंटेट। कल को पूछा जाए कौन है जो फ्लेक्सीडेंटेट भी है और साथ साथ एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरीके काम कर सकता है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, H2O3-2। क्लियर है मामला। नीचे लिखिएगा, इसका तो बता दिया, इसका लिखा रहे लाइक SO4-2
इट कैन बिहेव एज अ, इट कैन बिहेव एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, इट कैन बिहेव एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड बट समटाइम्स इट्स बिहेव एज अ बाइडेंटेट लिगेंड So called as flexidentate ligand. एक example लेकर उसका बता रहे हैं सर. Fe H2O का whole 5, SO4 डब्बे के बाहर Cl लिख दीजिए. दूसरा इसी का कॉम्प्लेक्स लिखिए, Fe-en का होल ट्वाइस SO4 और डब्बे के बाहर लिख दीजिए Cl. ठीक है, अब एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा. क्या सर? Cl पर -1 चार्ज है तो डब्बे पर क्या होगा? +1. डब्बे पर अगर +1 आया तो जाहिर सी बात है कि वाटर की वजह से तो जीरो है मामला. सल्फेट का -2 है, यानी हमारा Fe जो है वो यहां पर किस फॉर्म में है? +3. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. आप यहां आते हैं सर, यहां पर भी सेम कहानी है. Cl का -1 यानी डब्बे पर +1, और डब्बे पर +1 है तो SO4 पे चार्ज तो -2 ही रहेगा चाहे वो कैसे भी काम करे. तो इसका मतलब यहां भी हमारा Fe क्या है? +3. अभी आगे लिखा देंगे. एग्जाम्पल के तौर पे Fe+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर लास्ट टर्न पे बात कर रहे थे. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह है कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन कितने मैक्सिमम लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है. तो ये हमेशा कितने चाहेगा? 6 लोन पेयर. बात समझिएगा. अब मुझे ये बताइए कि वाटर, क्या हम लोगों ने पढ़ा है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो 5 वाटर 5 लोन पेयर दे देंगे. अब इनके पास है 2 और चाहिए बाबूजी को 1, तो इसका मतलब यहां पर जो सल्फेट आयन है किसकी तरीके एक्ट करेगा? है मोनोडेंटेट लिगेंड. बोलो भैया, किसकी तरीके बिहेव करेगा? एक्ट एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. क्लियर है मामला? ये समझ में आया आपको? यहां ही है सर. Fe+3 कितने लोन पेयर चाहिए? 6. इन आपने पढ़ रखा है, क्या इन आपने बाइडेंटेट लिगेंड में पढ़ा है? यानी पर इन जो होगा एथाइलीन डाइअमाइन 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो 2 इन मतलब 4 लोन पेयर मिल गए. चाहिए बाबूजी को 6, तो अब सल्फेट से कितने लोन पेयर की जरूरत है? 2 की. यानी कि इस समय जो सल्फेट होगा वो क्या करेगा? 2 लोन पेयर दे रहा है, यानी एक्ट एज अ या बिहेव एज अ बाइडेंटेट लिगेंड. तो ये एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल है जो फ्लेक्सीडेंटिसिटी को दिखा रहा है कि सल्फेट आयन जरूरत के हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर रहा है. क्योंकि ये चेंज नहीं कर सकते, इनके पास 6 लोन पेयर रखने की जगह इनको तुम 7 नहीं ठूस दोगे इनके अंदर. तो इसका मतलब जो लीगेंट है वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज करके मैनेज करता है. सल्फेट का इसलिए बताएं कि सारा खतरा वहीं पर ही है सर. और जैसे ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा फिर आप खुद बताने लगेंगे कि मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट. क्योंकि रीजन हमें पता चल जाएगा कि इसको कितने की जरूरत है, उसी हिसाब से हम सामने वाले को देख लें. ठीक है ना? अगला हेडिंग नहीं है, हटाए सर. चिलेटिंग रिंग पढ़ाई है आपको कि अगर हमको चिलेटिंग रिंग्स निकालनी है कि कितनी है,
तो क्या ये डेंटिसिटी माइनस वन होता है सर? डेंटिसिटी माइनस वन होता है, इससे निकाल लेते हैं हम लोग। लिख लीजिए, यहां पर हम कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, यहां आप हमको उनकी चिलेटिंग रिंग्स का नंबर बता दीजिएगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना है। पहला है CA EDTA EDTA ब्रैकेट में डब्बा बनाइए माइनस टू। दूसरा है FE टाई इन होल ट्वाइस, कोई चार्ज वार्ज नहीं है क्योंकि डाई न्यूट्रल लिगेंट है सर। तीसरा है CO, इस पे प्लस थ्री है कि एफ ई प्लस थ्री वाला है, CO इन का होल थ्राइस और डब्बे के ऊपर है प्लस थ्री। नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स आपको बतानी, देखिएगा सर क्या लगा है EDTA, एरो मारो बाहर लाओ। EDTA को जब बाहर लाओगे तो EDTA के साथ एक खेल है क्या, ये जो T है ना ये साला कभी ट्राई है कभी टेट्रा है, तो चेक करना पड़ेगा। कैल्शियम हमेशा क्या रहता है प्लस टू, तो अगर इस पे माइनस टू आ रहा है तो EDTA माइनस फोर ही रहा होगा, और अगर EDTA माइनस फोर है तो क्या इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी छह ली जाएगी सर, यानी कि हम इसको क्या मानेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। बोलो सर, अगर यहां पे चार्ज माइनस थ्री होता तो डेंटिसिटी हम पांच लेते, पेंटाडेंटेट में कंसीडर करते इसको, ठीक है ना। अब चिलेटिंग रिंग बनानी है, लिगेंड कितना है एक, तो डेंटिसिटी कितनी है छह माइनस वन, यानी कितनी रिंग बना के देगा पांच। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक EDTA कितनी रिंग दे रहा है पांच, कल को यहां पे अगर एक से ज्यादा होता वो पॉसिबल भी नहीं है, तो यहां एक ही है तो पांच ही लिखा है, इंटू वन करने का कोई मतलब नहीं है सर। यहां आते हैं सर, बाहर निकाल लीजिए डाई इन। अब आपको समझ में आना चाहिए, डाई इन की बात करेंगे तो क्या ये डाई एथिलीन ट्राई एमाइन था सर, और अगर बात करेंगे तो ट्राई एमाइन का मतलब तीन नाइट्रोजन डोनर थे वहां पे, यानी कि इसकी डेंटिसिटी क्या हम लोगों ने ट्राई डेंटेट में पढ़ रखा है तीन होगी। बोलिए सर, और अगर तीन है तो देखते जाना क्या, अगर मैं चिलेटिंग रिंग की बात करूंगा तो थ्री माइनस वन होगा, लेकिन ये काम तो एक डाई इन ने किया, यहां कितने डाई इन है दो, तो इसका मतलब अब हमको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे पास चिलेटिंग रिंग कितनी आएंगी फोर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे भैया एक से निकाल लो फिर जितना नंबर होगा मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में निकाल रहे हो ना तुम, तो यहां से इसी तरीके किसको बाहर करोगे बेटा इन को। अब इन की तुमने पढ़ रखी है डेंटिसिटी कितनी होती है दो, बाइडेंटेट लिगेंट है या नहीं है सर? एथिलीन डाइएमाइन, नाम से पता होना चाहिए, एथिलीन कार्बन से बना है, कोई लोन पेयर फोन पेयर नहीं है। डाइएमाइन का मतलब दो एनएच टू ग्रुप होंगे, दो नाइट्रोजन एटम एटम होंगे, यहां पर डेंटिसिटी हो गई दो। अब पर इन अगर बात करें तो क्या डेंटिसिटी माइनस वन, यानी एक रिंग बनाएंगे
लेकिन इन हमारे पास हैं कितने, तीन। तो हर इन अगर एक एक रिंग बनाएगा तो तीन लोग मिलकर कितनी रिंग बना देंगे, टोटल तीन। एक बार सवाल अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको मैंने आपको इसीलिए बहुत सिस्टमैटिक वे से पढ़ाया है, जैसे जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था वैसे ही जब ये पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो डी एंड एफ ब्लॉक तुमने पढ़ रखा है उसका भी बहुत सारा पोर्शन इसमें यूज होगा। तो वहां पढ़ा रखा है तो वहां यहाँ आपको बताना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन में आइसोमेरिज्म बताना पड़ेगा, और जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी पढ़ेंगे तो उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें डी ऑर्बिटल डी जनरेटेड, डी ऑर्बिटल का मतलब बताया था कि पांचों पांच डी ऑर्बिटल होते हैं, डी जनरेटेड तब बोलते हैं जब पांचों की एनर्जी सेम होती है। सर बोलो, तो जब टर्म आएगा कि डी जनरेशन खत्म हो रहा है तो मतलब एनर्जी अलग अलग हो रही है, तभी स्प्लिटिंग शब्द यूज होगा वहां पे, तो वो सारे टर्म यूज होंगे सर। अगला टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी ये आर्टिकल है कि आप इनको निकालते जाएंगे, ये भी फॉर्मूला पढ़ा रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर CN। क्या होता है सर, कितने डेटिव बॉन्ड वो बना रहा है, तो पहली चीज देखी जाती है जब फॉर्मूला लिखवाया था कि कितने लीगेंट लगे हैं, पहले वो देख लो, नंबर ऑफ लीगेंट्स, और उसके बाद हर लीगेंट की जो क्षमता है, कितना लोन पेयर दिया उसने, यानी मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी। सुनिएगा गुरु, ये फॉर्मूला ऐसा है कि अगर एक जैसे लीगेंट सारे लगे हैं तो उनका नंबर लिख दोगे छह या चार और उनकी डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंट लगे हैं तो जितने जितने लीगेंट सेम लगे हैं उनका नंबर मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी प्लस, यही फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा सर। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब यहां समेशन काम करता है, इसको आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड। लिखिएगा, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, हम लोग इसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है वो कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, हर लोन पेयर पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है या नहीं बन जाता है, तो उसी को हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर। इन्होंने कहा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। बात बिल्कुल सही है, छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब छह लोन पेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब चार लोन पेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो बात एक ही है, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन। एनओ का केस हटा के बात कर रहे हैं हम लोग, वो तो स्पेशल केस है, जब आएगा तो आप उसी तरीके डील करेंगे। अब आपके मन में ये आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लेंगे, नहीं सर, पहले कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कब कोऑर्डिनेशन नंबर छह है और कब कोऑर्डिनेशन नंबर चार है। बात समझ में आ रही है? तो एक वो बनाइएगा, यहां पर मेटल आयन एक चार्ट बनाना है, मेटल आयन और उनका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल आयन और उनका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आप याद ही करिए, बाकी कोई दूसरा चारा आपके पास नहीं है सर। पहला Ag+ जब कभी भी मिलेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स में, दो। यानी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या दो लोन पेयर, इसको कहीं से लाके दे दो,
जेड एन प्लस टू पी डी प्लस टू पी टी प्लस टू जिंक प्लेडियम और प्लेटिनम। सिंह पर तो प्लस टू ही होता है, इन पर अगर प्लस टू चार्ज है तो याद रखना है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना, चार। सी ए प्लस टू अभी पीछे आपने पढ़ा है, पूरा ईडीटी ये खा गया था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर छ। सी आर प्लस वन, क्रोमियम अगर प्लस वन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर छ। ठीक बात, प्लेटिनम को यहां से मार्क कर लीजिए, प्लस टू पर अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, और अगर प्लस फोर पर है, कहां है सर, प्लस फोर पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा छ। ठीक है, इसके बाद सर जितने भी ट्राइवेलेंट मेटल आयन है एम प्लस थ्री जो पाए भी जाते हो, जैसे सी आर प्लस थ्री, एफ ई प्लस थ्री, इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा आपको क्या कंसीडर करना है, सिक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं, Al प्लस थ्री भी आएगा तो भी छह लेना है। Cr लिख लो, Al प्लस थ्री लिख लो भाई, तुम लल्लू हो, लिखो Al प्लस थ्री, Cr प्लस थ्री, Fe प्लस थ्री। CO प्लस थ्री आएगा तब भी छह, कुछ नहीं लिखाया है तो सोच समझ के नहीं लिखाया है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है सर। Fe में बस याद रखना कि Fe चाहे साला प्लस टू हो और चाहे प्लस थ्री हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना, छह। क्योंकि बहुत दर्द है, ये बहुत बार आएगा आपके सामने। एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है सर। अच्छा, एक दूसरा तरीका है, ये तब है जब हमें जरूरत पड़ेगी बनाने में कॉम्प्लेक्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ही हमारे सामने आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर लगाने का एक दूसरा तरीका, जो फॉर्मूला है अपने पास, हम लिगेंड देख के कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी पता चल जाएगा हमको। तो एक सवाल इसी बात पे हो जाए, नोट कर लिया है ना तुमने, ठीक, लिखिएगा, चार्ट बनाना है सर, कॉम्प्लेक्स यहां आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। पहला है EN का होल ट्वाइस, OX प्लस वन, दूसरा है CO, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स देंगे हम, कोई रहम नहीं करेंगे, डाई इन PY NH3 SO4 डब्बा बंद बाहर सी है। तीसरा एक न्यूट्रल ले लें Fe CO का होल फाइव, भाई ये CO कोबाल्ट है और ये वाला CO कार्बोनिल है ना, देखे रहना है।
अब मैंने तुमको बोला था कि कभी पिरिडिल इरिडिल नहीं लिख के आएगा, ईवाई से पता होना चाहिए, डाई इन इन लिखकर आएगा, पता होना चाहिए क्या है। कार्बोनिल तुमने पढ़ा था मोनोडेंटेट लिगेंड में न्यूट्रल में, अरे बोलो भैया। हाँ निकाल दो, बताओ हमको। फॉर्मूला क्या है, कितने लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी, है ना, कितने लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी। अच्छा अलग अलग है तो वो फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा, अरे बोलो भैया, वो फॉर्मूला जुड़ता चला जाएगा ना, तो हर लिगेंड के लिए यही फार्मूला लगाते चलना। तो कर लो पहले, तो हमको सही आंसर देना, इन्हीं यही सवाल है, बस ऐसे समझो यही एक्सरसाइज है तुम्हारी। कहाँ पलट रही हो, हमको बताओ क्या क्या ढूंढने गई जा रही हो, क्या नहीं कहाँ ढूंढने जा रही हो, ये हमें बताओ क्या लिखा है। तुमको क्या तुम्हारा फंस रहा है वहां मामला, वो हमको बताओ जो तुम ढूंढने जा रही हो। एक मिनट, ये तो नॉर्मल जब आयन होगा तब होगा। पहली चीज तुम हमको ये बताओ कि पहला टर्म क्या पूछा गया है। एक बात सुनिएगा, बहुत क्लियर और क्रिस्टल पढ़ाया है हमने तुमको पानी की तरीके, कि अगर तुमको साफ सुथरा पढ़ा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो कर लोगे। पहला टर्म क्या ये लिखवाया है कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है, लिखवाया है या नहीं लिखवाया है। सैकड़ों बार तुमने यूज किया है, FeCO का होल 5 है, यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरा टर्म हमसे पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, कार्बोनिल क्या मोनोडेंटेट लिगेंट है, इसका मतलब डेंटिसिटी 1 है इसकी, तो अगर 1 है तो 5 कार्बोनिल लगे हैं, यानी नंबर ऑफ लिगेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा 5। अच्छा कंफ्यूजन इस बात पर नहीं है कि आपने याद किया है Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3 का 6 होता है, सर Fe का थोड़ी याद करके बैठे हो, तो तुम कहोगे हाँ होता है, होगा भैया Fe मेटल कार्बोनिल में 5 भी दिखाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि प्लस 2 प्लस 3 हो तो कंफ्यूज हो, समझ में आता है, जब Fe आ रहा है 0 है तो फिर क्या कंफ्यूजन है, तुमने जो पढ़ा है वो तो सही पढ़ा होगा। आइए सर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले वाले में देखते हैं, जरा हमको ये बताइए इन एक एक पकड़ते चलना, कितनी बार लगा है, 2 बार, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी, इन की डेंटिसिटी 2 होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसकी कहानी खत्म, प्लस आगे वाले के पास पहुंचे। ऑक्सलेट आयन कितनी बार लगा है, 1 बार, ऑक्सलेट ओएक्स मतलब C2O4-2 है सर, क्या बाइडेंटेट लिगेंड में पड़ रखा है, डेंटिसिटी 2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 2, अब और कुछ बचा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लियर है मामला। दूसरी बात, माना Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X है, क्या है X, इन जो है क्या वो न्यूट्रल लिगेंट है, तो 2 into 0 कोई चार्ज नहीं होता,
ऑक्सलेट, मैंने आपसे कहा था कभी चार्ज लिखकर नहीं आएगा, ऑक्सलेट मतलब C2O4-2 होता है, यानी कि चार्ज कितना होगा, -2 होगा इस पर। अच्छा एक बार लगाए तो एक ही बार -2 लिखकर रुक जाना, ये सब इक्वल्स टू कितने चार्ज के बराबर है, +1 के। तो समझदार हो, x बराबर कितना आएगा, +3, यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो यहां कितना आया, +3। तो सर हमने पढ़ाया इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो, आपने याद कर रखा है +3 यानी 6। अब जो थोड़ा समझदार होगा वो पेपर में क्या करेगा, वो देखेगा Fe और देखेगा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो तुम समझ जाएगा कि अच्छा ये कार्बोनिल का केस नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 आया है तो हम नहीं निकालेंगे लिगेंड से, हम डायरेक्ट 6 लिख देंगे। बात समझे या नहीं समझे, इसके लिए आपको पहले से लिखाया गया। ये क्लियर हुआ मामला, अगले वाले में आओ करके दिखाओ फटाफट जल्दी से। एक एक करके पकड़ते चलो, 50 लगे हो तुम्हें क्या मतलब है, वही फॉर्मूला आगे बढ़ता चला जाएगा बस। केवल डाई इन को पकड़ो, क्या एक बार लगा है, डेंटिसिटी 3 होती है, प्लस पिरिडिल, क्या एक बार लगा है, पिरिडिल है डेंटिसिटी 1 होती है, मोनोडेंटेट में पड़ा है। अमोनिया क्या एक बार लगा है, डेंटिसिटी 1 होगी। SO4, अब सुनना, 3, 1, 4, 1, 5 आ रहा है सर, 7-8 होता नहीं है, तो SO4 किसकी तरीके कंसीडर किया जाएगा, एक बार लगा है और मोनोडेंटेट लिगेंट होगा, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से भी कितना आएगा, 6 आएगा। अगर कंफर्म करना है तो देखना कोबाल्ट +3 नजर भी आएगा। एक्स डाइन के लिए 0, पिरिडिल के लिए 0, अमोनिया के लिए 0, अरे बोलो ना यार, सल्फेट के लिए चाहे वो कैसा भी हो -2, सीएल के लिए -1, और पूरे कॉम्प्लेक्स को इक्वल्स टू 0, यानी एक्स बराबर कितना आया, +3। तो तुमने कहा हाँ ठीक है, +3 अगर होता है तो M+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर आपको ना याद आए कि सल्फेट क्या रखना है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा कि 1 रखिए वहां। क्लियर है बात, यहां आते हैं FeCO का होल पाइप, कितनी बार लगा है, 5 बार, मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी 1, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल है ना। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर हर मेटल कार्बोनिल में 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो तुमने कहा हाँ होता होगा। +2, +3 आता, कंफ्यूज होते मानते, 0 कोई कंफ्यूजन नहीं। सवाल समझ में आया सर, तो आप इसके 3000 सवाल लगा लीजिए या 3 सवाल लगा लीजिए, आप नहीं पाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई सिंपल सवाल नहीं लिए, हर तरीके का कॉम्प्लेक्स ले लिया है यहाँ पे कि जिससे आप देखकर बता पाए। चलें सर, अगला टर्म EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, बोलो भैया। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, चले अब पता है हमें, मतलब हम इसलिए नहीं तुम्हें समझाते, हम इसलिए समझाते तुम लोग क्या करते हो, ये तुम्हारी आदत में आ गया है, और यही आदत तुम जिस दिन छोड़ दोगे थोड़ी देर परेशान रहोगे लेकिन तुमको याद आने लगेगा। तुम्हारे मन में क्या रहता है कि जैसे कुछ नहीं आया तो तुम तुरंत पीछे भागते हो, भाई पीछे नहीं लिखा है, और लिखा भी है तो उस विद इन टाइम में तुम उसको ढूंढ नहीं पाओ। यार तुम ढूंढोगे तुम्हें क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये साले तुमको पता है, ढूंढ के भी तुमने अपना समय बर्बाद किया। उतना समय तुम वहां दो कि यार 5 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसने +2, +3 के लिए 6 बताया है, +3 कोई भी हो 6 बताया है, 0 के बारे में नहीं बताया है, होता होगा, बात खत्म।
क्या इतना तो सोच ही सकते हो, इसमें तो कोई साइंस नहीं है किसी प्रकार की। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर तुम ये समझ रहे हो कि वो अपने हिसाब से लिखा रहे हैं कि इसका ये होता है इसका ये होता है, तो इसका मतलब ये है कि यार एफई वाले में ध्यान रखेंगे कि एफईसीओ का होल फाइव है तो मेटल कार्बोनिल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें पांच ही होता होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है सर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या कहता है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जब सारे बॉन्ड बना लेता है यानी सबसे इलेक्ट्रॉन विलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो टोटल आफ्टर बॉन्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास दिखते हैं चार तरफ नजर उसके रिस्पेक्ट वो क्या कहलाते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक किसका, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का। तो पहली चीज याद रखना है कि आप ई ए एन किसके लिए निकाल रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मेटल एटम के लिए। सेंट्रल मेटल एटम के लिए लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट प्रेजेंट विद सेंट्रल एटम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद लिगेंड्स, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद लिगेंड्स यानी लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अरे एक बात बताओ, उसका एटॉमिक नंबर था वो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास, चार्ज आज से जो चला लग गया वो कटपिट हो जाएगा, माइनस है तो जनरली तो प्लस ही आएगा, कुछ जगहों पे माइनस भी होता है, ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक में हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, कॉम्प्लेक्स में आपको दिखेंगे कुछ एलिमेंट। लेकिन सर एक बात तो तय हो गई कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद जो लोग कोऑर्डिनेट किए तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड किए उतना इलेक्ट्रॉन भी उसको मिला वहां पे, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको देखने का तरीका या तो डायग्राम बना बना के देखें और या एक फॉर्मूला कोई सेट कर लें और उससे मामला आ जाएगा। तो फॉर्मूला है सर ई ए एन, और क्यों है ये भी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि जिसने निकाला था वो हमसे तुमसे ज्यादा तेज था, ऐसा नहीं है। ई ए एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब जिसने फार्मूला लिखा है उसने बुद्धि क्या लगाई है इसको समझना जरा, फार्मूला लिख लिया तुमने, अब तुम्हारे पास बार बार एक समस्या आएगी कि साला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस होता है, यहां दो से गुणा होता है कि यहां दो से गुणा होता है। एज अ स्टूडेंट आज से एक डेढ़ महीने बाद जब आपका पेपर होगा तो यही बात फंसेगी और कुछ नहीं फंसता है इसमें। अब आप अगर ये मतलब समझ लें तो काम हो जाएगा। क्या हम इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बोलो भैया। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पॉजिटिव मानते हैं यानी जितना ऑक्सीडेशन नंबर उतना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अगर जाएगा तो घटाओगे कि जोड़ोगे, घटाओगे, बोलो मेरे भाई। और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई गुणा मुड़ा नहीं होता यानी ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनों को घटा रहा है कि भाई इतने चले गए। कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है कि इतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं और हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब बॉन्ड थोड़ी गिन रहे हो, इलेक्ट्रॉन गिन रहे हो, हर बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो मल्टीप्लाई कहां पे करना पड़ेगा, दो से कोऑर्डिनेशन नंबर से। फार्मूला चाहे आगे पीछे कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कहानी यह है कि हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है उतने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब जितना प्लस लस आया उतना गया घटा दो, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड ने दिए हैं वो
उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी दो से गुणा करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, इसलिए दो से मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर में कराया जाता है। क्लियर है मामला? इसको लिखा नहीं पाएंगे इसलिए केवल बता सकते हैं। चलो लिखो सर, K3FeCN का होल 6 ठीक है, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दो, EAN कितना हो? अच्छा, EAN निकालने के लिए तुमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, बिना उसके आप ये काम नहीं कर पाएंगे। बुद्धि लगाइए, बताइए क्या है। 35 आ रहा है, सबका आ रहा है 35। अब सुनना सर, पहला काम आपने यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकाला होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बड़ा सिंपल सी कहानी थी, +1 × 3 Fe का मान लिया हमने x, 6 CN है, 6 × -1 चार्ज होता है CN पर, =0। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 आएगा सर। दूसरी बात, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर सर, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी असलियत में Fe +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लिगेंड कितने लगे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय CN माइनस मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। तो सर EAN हमको निकालना है, क्या होता है Fe का एटॉमिक नंबर, क्या 26 होता है, बोलो भैया Fe एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। हम यहां लिखेंगे एटॉमिक नंबर 26 माइनस +3 का मतलब इतने लोग निकल लिए यहां से, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं और पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, तो 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन वहां से मिले। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 26 और 12 = 38, 38 में से 3 गया यानी कि 35। मामला पकड़ में आया या नहीं आया? तो अब आप ये सवाल जल्दी कैसे कर पाएंगे, जब आप जल्दी कोऑर्डिनेशन नंबर और जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे, तो उतनी जल्दी ये हो जाना है और कुछ नहीं। फॉर्मूले में कहीं कोई समस्या नहीं होनी है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं असलियत। अगला है K2HgI4, इसमें हमको EAN वैल्यू बता दो कितनी। अच्छा, यहाँ एक दिमाग और लगाना पड़ेगा कि आप हमसे ये नहीं कह सकते कि हमको एटॉमिक नंबर नहीं पता है। हमने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है और एक एक एटॉमिक नंबर लिखवाया है, 1 से यानी हाइड्रोजन से लेकर 118, बोलो भाई, और हर एक में डिफरेंस बताया कि कितने कितने का होगा और आप कर लेंगे। मरकरी कहाँ पाया जाता है, ग्रुप नंबर 12 में, जिनी कनाडा होगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, पहले डिफरेंस 18 का आता है यानी कि 48 हो गया कैडमियम, फिर 32 का डिफरेंस आता है, मरकरी हो गया 80। आपको नहीं याद आ रहा है, आपकी समस्या, तो उम्मीद मत करिएगा कि एटॉमिक नंबर हम लिखकर आपको देंगे। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है, आपको निकालना आना चाहिए। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, के यानी पोटेशियम +1 × 2, मरकरी का माना एक्स, 4i है 4 × -1 =0। तो सर एक्स बराबर क्या होगा, +2, यानी मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर और आसान है सर, मरकरी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4 लीगेंड लगे हैं
और आई माइनस है, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस सब मोनोडेंटेट एनाइनिक लिगेंड से एक एक लोन पर डोनेट करेंगे यानी कि चार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया चार। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सर, आप यहां लिखेंगे ई ए एन बराबर एटॉमिक नंबर हुआ 80, ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू यानी दो इलेक्ट्रॉन चले गए, कोऑर्डिनेशन नंबर है चार यानी पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसका मतलब 80 88 माइनस दो यानी कि 86 है। क्लियर है बात? अच्छा इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन क्या होता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन वाला इलेक्ट्रॉन ले आओ, इनर्ट हो जाएगा, सारी शेल भर जाएंगी उस पीरियड की। तो जैसे हीलियम मतलब दो इलेक्ट्रॉन वाला इनर्ट कंफ्यूग्रेशन है, 10 इलेक्ट्रॉन वाला इनर्ट है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला इनर्ट है, बोलो 36 इलेक्ट्रॉन इनर्ट है, 54 इलेक्ट्रॉन इनर्ट है, 86 इलेक्ट्रॉन इनर्ट है, तो ये इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन को अटेंड कर रहा है। क्लियर है मामला? अगला है एजी NH3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर सर, एटॉमिक नंबर बताएगा क्लास में कोई, मोल कंसेप्ट में बहुत यूज किए हैं। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट 143.5, बोलो 143.5 होता था या नहीं होता था? तो सर इसका मतलब Ag का एटॉमिक नंबर 108 होता होगा, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास यूज लिख देना, एक एटॉमिक मास है। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे मतलब कॉपर है यहां पर 29 है सर, में 18 जोड़ोगे तो एजी आ जाएगा यानी 47 लेके काम करना। अब देखो ईएएन निकालना है, इतने तुम समझदार हो, इधर देखो एजी अमोनिया न्यूट्रल लिगेंट है यानी जीरो चार्ज होगा, तो ये जो प्लस वन आया है वो किसकी वजह से आया है, एजी की वजह से, तो इसका मतलब एजी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस वन होगा। उसके बाद सर दो अमोनिया लगे हैं यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2×1 क्योंकि मोनोडेंटेट है यानी कि दो होगा सर। आ जाइए सर, और ये पढ़ाया भी है कि एजी प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर दो ही होता है हर समय। एटॉमिक नंबर 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यानी 1 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 2×2 कितना आएगा 50। चलें सर अगला एग्जांपल, Na2ZnCn का होल 4, Na2ZnCn का होल 4, EAN निकाल दो, तो पहले ये पता होना चाहिए कि हम EAN में करके आ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है उनको गिन रहे हैं आप। छत्तीस आएगा। पहली चीज जिंक का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू निकाला होगा आपने, Na का प्लस वन रखना है, Cn का माइनस वन चार्ज रखना है, Zn को x मान के काम करोगे प्लस टू आएगा। दूसरी बात सर कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात कर लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप डायरेक्ट देख के बता दिए होंगे Cn माइनस है यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंट है, चार बार लगा है यानी 4×1 कितना आएगा चार। तो अगर हम इसका ई ए एन निकाल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर हुआ 30,
ऑक्सीडेशन नंबर यानी दो गायब हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब टू इंटू सॉरी मतलब फोर इंटू लिखना है, बात वही है, चार लिगेंट लगे फोर इंटू टू हो जाए, है ना, तो कितना आएगा 38 में से दो गया यानी कि 36 आए। तो यहां हमने केवल आपको क्या किया है, ई ए एन की वैल्यू निकालना सिखाया है सर, क्लियर है बात। ई ए एन की वैल्यू कहां यूज होगी सर, निकाला कहीं भी जा सकता है। जनरली क्या करता है, ये जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, क्या होते हैं सर, मेटल कार्बोनिल्स, उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है क्या देखकर, ई ए एन की वैल्यू को देखकर, क्लियर है मामला। तो नीचे लिखिएगा ई ए एन डिसाइड्स, ई ए एन डिसाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स ओनली, डिसाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स ओनली, यानी जब भी हमें मेटल कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स को आपस में देखना होगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, तो वहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, ई ए एन। नॉर्मली तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां ये काम की चीज है, वहां ये स्टेबिलिटी के बारे में बात करने लगे। बाकी जगह पे ई ए एन की वैल्यू से हम केवल हर बार स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे। अब यहीं से मेटल कार्बोनिल के लिए एक रूल है जिसका नाम है सिडविक रूल। तो हेडिंग डालिएगा सिडविक रूल, और बगल में लिख लीजिएगा एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल्स, एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल्स, केवल मेटल कार्बोनिल में ये रूल लगेगा, बाकी और कहीं लगता नहीं है। पहली चीज ये, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिया, हर जाके झोंकने लगना हर कॉम्प्लेक्स में कि किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी निकालनी, तो तुमने कहा हम ई एन निकाल ले, ना मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है तो ई एन से करेंगे, क्लियर है मामला। बाकी वो पूछे तो निकाल के दिखा देना, इसके लिए पढ़ाया है। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, if EAN of metal carbonyl compound, if EAN of metal carbonyl compound is equal to एटॉमिक नंबर ऑफ इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस ऑफ देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस देन वी कॉल्ड इट्स फॉलो EAN rule, then we called its follow EAN rule and comparatively stable, मतलब अपने साथ वालों के रिस्पेक्ट में मेटल कार्बोनिल में वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड कंपरेटिवली स्टेबल, क्लियर बात। नीचे लिखिए नोट करके, अगर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखो, अगर क्वेश्चन में ई ए
फॉलो कर रहा है तो सेंट्रल मेटल एटम के पीरियड की इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को ई ए एन के बराबर मानेंगे मतलब नहीं समझे? इधर देखो, उसने कहा कि इसने ई एन रूल फॉलो कर दिया तो हम वहां ई एन निकालने थोड़ी जाएंगे। जैसे मान लो एफ ई है, किसी कॉम्प्लेक्स में एफ ई दिया हुआ है, एफ ई का मेटल कार्बोनिल दिया है आपको, और उसने कहा अच्छा ई एन रूल फॉलो कौन करता है? मेटल कार्बोनिल के लिए देगा आपको। और उसने बोला एफ ई सी ओ का होल फाइव है, मान लो इसने बोला कि उसने कहा कि ये जो है वो ई एन रूल को फॉलो करता है, तो सर ये बताइए आप वहां ई एन निकालने थोड़ी जाएंगे। एफ ई जो है उसका नंबर क्या है? 26। बहुत बुद्धि नहीं लगानी है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एफ ई का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। इनर्ट गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं गैस वाले वो क्या क्या है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। बोलो अंकल, यही है ना? तो इसका मतलब अगर एफ ई का 26 दिया है तो एफ ई यही कहीं पाया जाता होगा। इसका मतलब हम किसके बराबर कर देंगे? 36। बात समझे या नहीं समझे? और बराबर करके जो वो पूछ रहा है वो निकलवाएंगे। अभी बताते हैं, देखिएगा पहला सवाल आ जाएगा। तो यहां लिख लीजिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन। अब तो सीधे ही लिखते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या। पहला सवाल एनआई सीओ का होल फोर, निकिल कार्बोनिल दिया हुआ है आपको, पूछा जा रहा है कि ये ई ए एन रूल को देखो, समझे रहे ना? मैथ के तरीके आ जाओ क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन आई तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, लेकिन पगलाना नहीं, जो पूछा जाए उसको ध्यान रखना। ई ए एन रूल को ये फॉलो करेगा या नहीं, तो आपको अब क्या करना है? ई ए एन निकालना है। बात समझे या नहीं समझे? तुमने क्या बोला है? जिसका ई ए एन इनर्ट गैस के बराबर आ जाएगा अपने पीरियड की, वो ई ए एन रूल को फॉलो करेगा। आइए सर, आपने निकिल के लिए अगर हम बात करें तो ये तो तय है कि ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा क्योंकि मेटल कार्बोनिल में जीरो होता है, तो इसमें ये समस्या खत्म हो गई। दूसरा सर, इस निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कार्बोनिल लगा है तो 4×2 लिखा जाएगा, है तब मारेंगे, 4 ही लिखा जाएगा, 2 क्यों करोगे? इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाल रहे हो, 4×1 क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है और चार बार लगा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन इस। अब सर यहां पर अगर मुझे देखना है कि ये ई ए एन रूल को फॉलो करेगा या नहीं, तो मैं ई ए एन की वैल्यू निकालूंगा। क्या होगा? निकिल का एटॉमिक नंबर बताओ क्या? 28 है सर, तो यहां लिखेंगे 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2×  कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या 36 आ रहा है? और इतने समझदार हो कि अगर ये 28 एटॉमिक नंबर है तो इसकी इनर्ट गैस 36 वाली ही होगी। बोलो भैया, तो इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है? ई ए एन रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप लिखेंगे दिस कॉम्प्लेक्स फॉलो ई ए एन रूल। पहला सवाल तो ये बनता है, वो पूछेगा कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन है, पगलाना नहीं। आदमी सोचता है लाओ फार्मूला लगाते हैं, हर बार ना लगा दो, देख समझ लो पहले। अगली कहानी, कहानी नंबर 2। अब हमने सवाल लिखा सी आर
सीओ का होल एक्स, ठीक बात। और उसने सवाल में लिखा कि फॉलो ई ए एन रूल, फाइंड एक्स। सवाल समझे कि नहीं समझे? अब वो कह रहा है कि ये फॉलो कर रहा है और तुम इसे एक्स के एक्स की वैल्यू निकाल कर हमें दिखाओ, तो पता है नहीं तुमको। अब ये बताओ तुम्हारा फॉर्मूला जो था वो क्या है सर, कि ई ए एन बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही तो था गुरु। आइए, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है या नहीं है? हाँ जी सर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालें बोलो तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखोगे बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर पता ही नहीं है तुमको, क्योंकि x टाइम्स दिया है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय 1, यही तो कर दोगे, उठा के सारी वैल्यू इसके अंदर भरो। अब ये बताओ क्रोमियम 24 वाला है तो क्या मैंने बोला है कि अगर सवाल में लिखा है ई ए एन रूल को फॉलो करे तो उसी पीरियड की गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 24 लिखा है तो यहां क्या लिखा जाएगा? 36, ना 54 लिखा जाएगा ना 18 लिखा जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ 36, एटॉमिक नंबर कितना है 24, ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स है यानी 2 × x। तो यहां से सर अगर आप निकालेंगे तो 2x बराबर क्या 12 आ रहा है, तो x बराबर 6 आ रहा है। कई बार वो आपसे कहेगा कि x मत बताओ, ये बताओ कि सही कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो जवाब होगा CR CO का होल 6। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हटाएं, फॉलो ई ए एन रूल, सब लोग निकाल के बैठो जल्दी से, ई ए एन रूल को फॉलो कर रहा है, फाइंड एक्स। और तुमको हम एक बात बता दें, हीरो बनना नहीं पेपर में कि याद कर लो कि 6 आता है 5 आता है, वहां साले बदल जाएगा टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, तो निकाल लेना, क्योंकि उस डायरेक्ट कंसेप्ट ही है कि वो चाहता है कि आप निकाल पाते हो या नहीं निकाल पा रहे हो। पांच आएगा। अब एफ का एटॉमिक नंबर 26 है, ई ए एन रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम लिखेंगे ई ए एन वैल्यू 36 इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन उस पीरियड के। अब सर एटॉमिक नंबर क्या एफ का 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, नंबर ऑफ लिगेंड एक्स है और कार्बोनिल मोनोडेंटेट है, यानी एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स ही तो आएगा, एक्स ही ना आएगा, तो यहां लिखोगे 2x। अब सर 10 बराबर 2x, तो x बराबर 5, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो असलियत में एफ ई सी ओ का होल 5 है, ये ध्यान रखना। तो एक बात ये बताओ, अगर ई ए एन की जो वैल्यू है वो मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर रही है, तो हर मेटल कार्बोनिल ये चाहेगा कि हम अपने इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन जो पीरियड के हैं उसके बराबर इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से लेके आए, बोलिए सर।
उसे करने के लिए कई बार उसे डाइमराइज भी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? डाइमराइज। आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था जब टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा रहे थे तो उसमें एक डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ाया है आपको, और डेल्टा बॉन्ड में याद करिएगा Mn2CO का होल 10 बना था सर, याद आया? जब ओवरलैपिंग पढ़ाई जा रही थी तो वहां Mn और Mn के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा था? डेल्टा। तो Mn2CO का होल 10 अगर बना है तो क्या वो Mn दो बार आया है, यानी डाइमराइज हुआ होगा। तो अगला टर्म लिखिएगा कि इफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड डजेंट फॉलो, इफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड डजेंट फॉलो EAN, इफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड डजेंट फॉलो EAN, मतलब अपने इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं ला पाया मान लो, देन इट मे बी डाइमराइजेस, इट मे बी डाइमराइजेस और एक्सचेंज ब्रैकेट में लिखना गेन ऑब्लिक लॉस, गेन ऑब्लिक लॉस ब्रैकेट क्लोज द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, द इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी। वो क्या कह रहा है इधर देखो, मान लो उसके पास 35 इलेक्ट्रॉन आए, कितने आए? अब तुमको पता है कि EAN रूल अगर फॉलो करना है तो 36 होना चाहिए, तो अब वो क्या कहेगा कि देखो मुझे 35 से 36 करना है तो या तो मैं अपने ही किसी साथी को लाके डाइमराइज कर जाऊं तो वो 36 होता है, वो बताएंगे कैसे होता है। दूसरा लिखा है कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 35 है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके 36 हो सकता है, अगर किसी के पास 37 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो सकता है? 36 हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी यहां पर हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तो आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने लिखा MnCO का होल 6, नए पन्ने पे लिखते हैं MnCO का होल 6, इसका EAN निकाल दो जल्दी से। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, सैतीस आया होगा सर, देख लो सबका आया है या नहीं आया है सर, क्योंकि ये निकलवा दिया इसीलिए कि अब आप आसानी से इसको समझ पाए। 37 आया होगा, क्या लिखा होगा? Mn के एटॉमिक नंबर में 25 लिखा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में 0 लिखा होगा, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 6 है, अरे बोलो ना यार, तो 6 है यानी 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे, तो 25 और 12 = 37। अब ये बताओ क्या ये अनस्टेबल है? क्यों भैया? अनस्टेबल इसलिए होगा क्योंकि इसने EAN रूल डजेंट फॉलो। इधर सुन लो अच्छे से, इसको समझ लो, विकेट अभी बहुत तेज गिरेगा तुम्हारा, पता नहीं चलेगा तुमको। तो ये क्या करेगा कि मुझे 37 से 36 होना है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के मूड में होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करने के मूड में है? लॉस, कि जाने दो साले को बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो MnCO का होल 6 चार्ज पॉजिटिव। सुनते जाइएगा सर, क्या यहां पर जैसे ही ये हुआ अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया, और अगर 36 हो गया तो इसका मतलब इसने EAN रूल को फॉलो कर लिया है सर, और अगर फॉलो कर लिया है तो ये इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल हो चुका है, बोलिए सर। तो इसका मतलब ये कंपाउंड, ये नहीं, ये कंपाउंड
इसके अंदर आग लगी होगी हर बार एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देने के लिए। अब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, बात समझना, वो क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज, तो वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। कल को पूछा जाए MnCO का होल सिक्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या आप बोल सकते हैं एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ में आई कहानी, कहां से कहां फंस देगा वो आपको। तुम EAN में फंसे रहोगे, EAN से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, वहां बिल्लाओगे कि तुमने तो सबका पढ़ाया था, इसका बताया ही नहीं। और यहाँ ये भी दिमाग नहीं लगेगा कि Mn जीरो पे है, बात समझना, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। कहानी दूसरी चल रही है यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, साथ में ऑब्लिक करके बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो मेटल कार्बोनेट, अब जैसे तुम्हारे मन में आए कि ये ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम इतने साल से पढ़ा रहे हो तो तुम्हें मालूम है यहाँ ये पढ़ाना है, लेकिन हमें कैसे पता चले, हमने इतनी चीजें पढ़ रखी हैं, हम तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर देख के करते आ रहे थे आज तक। तो मैं इसका मतलब मैं ये कहूंगा मेटल कार्बोनिल में एक बार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखकर भी कर लेना, बाकियों में आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। अगला कॉम्प्लेक्स है वी वेनेडियम सीओ का होल सिक्स, किसकी तरीके काम करेगा ये बता। जल्दी जल्दी गुरु, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आया है कि नहीं आया है, बोलो भैया। EAN कितना आया है, 35। बहुत सारे वीर ऐसे होंगे हमारे पास जो कि विनेडियम का एटॉमिक नंबर नहीं समझ पा रहे होंगे। स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम 3D सीरीज है, एटॉमिक नंबर 23 है। बात समझ में आ रही है, तो 23 रखिए एटॉमिक नंबर की जगह, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है आपको क्योंकि CO मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यानी कि वहां 12 आएगा, 23 और 12 35 आएगा, सीधा फंडा है, ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है। अब अगर 35 आया है तो जाहिर सी बात है कि ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगर EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा तो परेशान रहेगा, यानी कि अनस्टेबल रहेगा, है ना, तो ये परेशान है। अब इस दर्द को मिटाने के लिए इसको कुछ लेना पड़ेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ में आ रही है, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं लेगा, ये वी CO का होल सिक्स चार्ज -1, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके 35 से 36, यानी कि EAN रूल को फॉलो कर लिया और ये हो गया स्टेबल। अब जब भी इसके सामने इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, रिड्यूस होता है। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो मैं बोलूंगा एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि आप यहाँ पे जाके परेशान ना हो कि कब ऑक्सीडाइजिंग है, बेसिक फंडे पर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। टाइम ना देखो, जब हम छोड़ेंगे तो उसी समय खत्म होगा। तुम इस कह रहे हैं गुरु, तुम्हारे साथी सब गायब हो गए, घर में क्या कर रहे हैं? अच्छा, धान लग रहा होगा इस टाइम पे, नहीं गेहूं टाइम है ये, नहीं ये गांव वाले कितने लोग हैं इस समय, क्या क्या लग रहा है, गेहूं गेहूं कटेगा अब इस बार, अब लगेगा कुछ नहीं, अब गेहूं कटने वाला टाइम है शायद ना,
अरे भैया बहुत से तो तुरंत बता देंगे तमिलनाडु में खेती कौन सी हो रही है, गांव में ससुरा आलू ही केवल। अच्छा एक बात ये भी है, जाला गांव में ऐसा है मामला कि वो क्षेत्र हिसाब से मामला है। आप कितना पढ़ लिख लो, घर में बताओगे समझे समझेंगे नहीं, वो वहां कहेंगे नहीं हमारे पर दादा आलू उगाते थे, आलू ही उगाएंगे चाहे कुछ हो जाए। अब प्याज लग रहा है, सही है। MnCO का होल फाइव, भाई ऐसा नहीं है, खेती किसानी कोई फर्जी काम नहीं है सर। किसानों वाले आंदोलन में वो पंजाब वाले ही थे सब, ध्यान है ना, बढ़िया जलेबी पूड़ी लगा के लंगर बैठे आराम से, दिल्ली रोक के बेहतरीन खा पी रहे हैं, सरकार के भरोसे नहीं है और बैठा ले रखे पूरा साल बैठे रहो, कह रहे हम 5 साल बैठे रहेंगे, हमारा क्या फर्क पड़ता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वो लोग क्यों रुके रहे, उसके पीछे रीजन है ना सर, उन्होंने अपनी खेती को भी कॉरपोरेट कर रखा है। कॉरपोरेट करने का मतलब क्या है कि वहां का किसान अपना हल लेके नहीं जा रहा है, वो 4 आदमी 10 आदमी लगा रखा है, कितने किस खेत में तुम काम करोगे, इसमें तुम काम करोगे, उसके लिए मशीनरी दुनिया भर की खेल है। अब वही आलू तुम्हारे यहां से पैदा हो रहा है, घर में पड़ा रहता है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यही जो लेस तुम चाप रहे हो 5-5, 10-10 रुपया का, जिसमें 5 ग्राम और 10 ग्राम चिप्स है मात्र, बोलो वो वहां जा रहे हैं और वहां सरदार जी कह रहे हैं कि सुनो आलू चाहिए, बोले कौन से साइज के चाहिए ये बताओ, उसने टेक्नोलॉजी पढ़ रखी है, वो कह रहा है ठीक है हम इस साइज का बना के देंगे, बोले कितने रुपए किलो, बोले 80 रुपए किलो, वो 80 रुपए किलो ले रहा है आलू उससे। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो 10 रुपए में दे रहा है उसको, वो उसी साइज का बना निकाल के दे रहा है, मैकडी वाला आलू टिक्की बना रहा है वहीं से लेके ला रहा है, वही क्या कर रहा है 2 ब्रेड में 4 सॉस डाल के लपेट के दिए दे रहा है ना, आई लव मैकडी यही सब करते हो वहां जाके, वो एक तो बहुआ बना के बाहर बैठा दिया उसमें, जो जाता वो वहीं बैठ जाता, उसमें बैठाने के लिए इसलिए बनाए कि पहले खा पी लिए, और खा पी के बोले कि वो ये दिखाते हैं कि जब तुम फोटो खींच के डालते हो तो वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि देखो बेटा हमने तुमको बहुआ बना के बैठा रखा है यहाँ पे, जब दोबारा पैसा हो तो फिर आना। तो ये देख रहा है, अब हम तो इसी मरे जा रहे हैं कि पिज्जा खा रहे थे वो फार्म हाउस पिज्जा आज हमने खाया, वो थिन क्रस्ट कर दीजिएगा उसको, इसी मरे जा रहे हैं। थिन क्रस्ट का मतलब समझो, अगर बेसिक बुद्धि लगा ले हो तुम खाना अगर अभी होटल में खा रहे हो सर, और वो रोटी जो है वो पूरी टाइप की बिल्कुल पापड़ जैसी पतली दे दे तो तुम बिल्ला जाओगे कि साले आटा बचा रहे हो, और वो क्या कर रहा है, थिन क्रस्ट का पैसा अलग से है, नॉर्मल 400 रुपया का है, थिन क्रस्ट करोगे तो 550-590 हो गया। ये कौन सी टेक्नोलॉजी जिसमें आटा कम करने के बाद पैसा ज्यादा हो जाता है, बात समझिए सर। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जब पिज्जा खाइए तो इसको आप ऐसे लेते हैं कि इसका मतलब पिज्जा नहीं खाना चाहिए, ना बिल्कुल खाना चाहिए, समाज में बना हुआ है, स्टेटस सिंबल है, दाल रोटी खाओगे साला बगल वाला कहेगा गरीब है, बात समझिए, खाइए, लेकिन खाते खाते ये सोचिए कि अगर ये बेवकूफ बना रहा है तो हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ है कि हम भी कुछ ऐसा कर दें कि जिसमें हम सामने वाले को कम लागत में, कम लागत मतलब अमाउंट कम करते जाए और पैसा बढ़ाते जाए और उसको मजा भी आए, वो कहते भैया और कम कर दो, लोगों को बस नहीं करता, मैं तो देखता हूँ अपने साथ में कि एक दो बार गए तो बोले कि वो बिल्कुल थिन कर देना, तो हमका एक काम कर लो ना, वो पूरी टॉपिंग वॉपिंग कर देना और उसके बाद उस पिज्जा के 4 स्लाइस काट देना, हमने ऐसी कोई मशीन नहीं आई तुम्हारे पास, कह रहे अरे सर मजाक कर रहे हैं, हमने कहा तुम इसी मजाक का तो पैसा ले रहे हो, हम तो सिर्फ कर रहे हैं, तुम तो पैसा ले रहे हो भैया इसका। हम तुम बर्गर खाने जाते हैं, बर्गर में बोले वो पनीर बर्गर में क्या है, जरा पनीर लेके उसके ऊपर धर दी इसके लिए, और साइड से दिखता है व्हाइट व्हाइट, बर्गर खोलो तो लगता है वो है ही नहीं, जैसे साइड में है वो, ऐसा बेवकूफ बना रहे हैं भाई। और फिर क्या कह रहे हैं बाद में, खाने के बाद कह रहे हैं कि कितना बेहतरीन है ये, तो वही है ना। और अब जो लोग बाहर रह रहे हैं, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ बाहर रहना जरूरी है सर, अब जब आप बाहर रह रहे हैं ना आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, अब आप घर जाते हैं, घर में अगर खाना बना तो तुम तुरंत क्या कहते हो कि अरे नहीं घर का खाना खाएंगे, पहले मम्मी थाली लिए बउआ बिटिया पीछे घूम रहे हैं, बेटा खाना खा लो, अरे अभी हम नहीं खाएंगे, बेटा खाना खा लो, तुम बहुत परेशान करती हो घर छोड़ के चले जाएंगे,
अब यहाँ रो रहे हैं, मम्मी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों? अरे वो टिफन जो है ना, वो टिफन हमको देता नहीं है, इसे फेंक के देता है। पकड़ होटल वाला। हाँ दाल बोले मम्मी पूछ रहे बेटा खाना कैसा आता है, बोले पानी जैसा। और घर में गुस्सा, इतनी गाली दाल बनाई जाती है, ये तरीका है दाल बनाने का, ले बताओ उसको समझाओ। अब होटल वाले को समझाओ, अब खाने में देख ही रहोगे आदमी चार दिन तो बहुत तगड़ा खाना खाए जब जब आए हो तुम शुरुआत में, और उसमें पहले ही पनीर और पूड़ी खिला के बिल्कुल बेकू बना लो। और उसके बाद अब पता चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम शनिवार को नहीं देते हैं, हम संडे को भी नहीं देते हैं। हाँ बैंगन के साथ आलू है, फिर एक दिन बैंगन कटके है, फिर एक दिन बैंगन आलू कद्दू जो बची हुई सब्जी है वो मिक्स है, उसको बोल दिए कि ये मिक्स वेज है। यही है होटल, तुम्हें क्या लगा सबने किया यार, हमने भी खाया है सर। आप समझिए ना हम क्या बता रहे। खाना खाने के लिए ये स्थिति हो जाती थी कि जैसे पता चला कि कॉलेज में कि भैया वहां पे घर का खाना मिलता है, 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं लुंडे सब टेम्पो एम्पू बुक करके। सर भाई पैसा है नहीं, कैब वैब का पैसा कहाँ है, टेम्पो में बैठ के बुक करके जा रहे हैं। अब वहां जा रहे हैं टेम्पो वाला खड़ा है, बात समझना, वहां बैठे और वहां पे वो बिचारी हाथ से और सब बैठे हैं कि IIT वाले, हमका अब हाइजेनिक नहीं है, हम लोग खा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, घर के खाने का स्वाद अलग ही होता है। और याद कर रहे हैं कि बताओ मम्मी कहती थी लेकिन खाते नहीं थे, और फिर घर जाकर वही कर रहे हैं। चार दिन जब ठूस लिए खाना, ये इंसान की प्रवृत्ति है। जैसे ही उसके मामला सेट हो गया, उसके बाद जैसे ही मम्मी ने कहा कि बेटा तुम यहां से लड्डू ले जाओ, ये अरे ये सब निकालो बाहर, क्यों हम कॉपी किताब भर के लाए हैं, हम भर के ले जाएंगे, निकालते एक कॉपी नहीं होंगे। वो बेस बनाया जाता है कॉपी किताब से कपड़े रखने के लिए, और वो बेस वैसे ही बना रहता, उसी के ऊपर प्रेस करके कपड़े घर से आ जाते हैं। वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल HC वर्मा सब ऐसे सेट है। अब मजदूरों तरीके लाद के ले, मजदूरों तरीके लाद के ले, वो चीज जो तुम्हारे काम की नहीं है। वो बेचारी लड्डू बना दे रही तो तुम कह रहे हो अरे हम इतना नहीं ले जा पाएंगे। अब क्या होता है, घर वाले धीरे धीरे जान गए, तो अब घर वाले भी तुमको ज्यादा वो नहीं कर रहे हो, जान रहे हैं कि आप तुम खुद ही आयो चुपचाप खाओगे आके शांति से। तो इसलिए हर चीज की वैल्यू तभी है ना, वो कहते हैं ना कि वो सीधा फंडा है, जो चीज आपको चाहिए ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया वो आपको उस समय नहीं मिलेगी। मैं हर बार बोलता हूं वो आपको जब मिलेगी तब आपको कुछ और चाहिए होगा। अभी तुमको लग रहा है 18 सिलेक्शन हो जाए, जैसे ही तुम जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कहेंगे कि यार भैया केवल हमको HBTI भी मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, जैसे ही HBTI मिल जाएगा उनके एक दो महीने बाद उससे मिलो कि ये बताओ भाई तुम अब खुश हो, तो क्या कह रहे हैं क्यों? अरे बोले वो नहीं यार, वो हमको MTech भी करना है और हमको C++ भी सीखना है, क्योंकि C++ के बिना कुछ होता ही नहीं है। जिसको C++ आता है वो साला जावा पढ़ रहा है, जिसको जावा आता है वो माया पढ़ रहा है। हाँ ये सब है, हमारे यहाँ पे तो था हमारे फर्स्ट ईयर में लड़का, वो पहले दिन हम लोग का भाई यूपी बोर्ड वालों को पता भी नहीं है तो लैंग्वेजेस हैं पहले में ही है आपके सी। अब सर वो फर्स्ट ईयर में सी है, वो क्या पढ़ रहा है, एक दिन जावा पढ़ रहा था, वो कर्नाटक का था, वो जावा पढ़ रहा था, एक दिन हमने देखा ये माया पढ़ रहा है, हम कभी इधर आओ, उनका ये कर क्या रहे हो तू, कह रहा है कि वो मैंने और लैंग्वेजेस सीखा। हमने सीख के कहाँ जाओगे, चांद पे तो आदमी जा चुका, हमने मंगल में जाने की तुम्हारी औकात हमको तुम्हारी दिख नहीं रही है कि तुम जा भी पाओगे, तुम जाओगे कहाँ? और भाई वो क्या बोलते बता है कि मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, हमका पढ़ मर। अब हम लोग उसको हाँ, और जब 6 महीना 8 महीना हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने भी उसको अपने रंग में उतार लिया, वो कह रहा है तुम ठीक कहते थे। तब हमने उसको समझाया कि जो टेबल्स मिली हैं तुमको पढ़ने के लिए नहीं मिली है, इनमें कुछ सामान सजाओ। जो अलमारी है उसमें 2 खाने कपड़े रखने के लिए हैं, बाकी 2 खानों में अपने जरूरी सामान रखो, कभी रात बिरात जरूरत पड़े निकाल लो तुरंत, किसी की मदद करो। 2000 और पैसा अकाउंट में जैसे ही आए तुरंत अय्याशी की तरीके जिंदगी जियो, आखिरी के 10 दिन भिखारी के तरीके घूमो। हाँ हाँ मतलब जैसे ही पैसा आए तो आलू का पराठा बोले हम आज आलू नहीं खाएंगे, आज पनीर की सब्जी होटल में खाना खाएं। और जैसे ही आखिरी के 7-8 दिन है तो आलू पराठा वो बोले भैया कितने का, बोले 20 का है, तो बोले 1 दे दो।
फिर वो एक तो पराठा खा के किसी तरीके जिंदगी गुजार और इस बात पे खुश हैं कि एक तारीख को दोबारा पैसा आ जाए। यही भंडा है सर जिंदगी का। लेकिन ठीक है, एमएनसीओ का होल फाइव यार, इसमें ई ए एन बता दो जरा हमको जल्दी 35। अब तुम्हारा मन ये कर रहा होगा, अभी हम लोगों ने एमएनसीओ का होल सिक्स कर रखा है सर, बात समझिएगा, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया था, वीसीओ के होल फाइव में आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिया था, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। ये क्या करता है, अपने आप को डाइमराइज करता है। क्या करता है, तो यहां होगा डाइमराइजेशन, बनाइए सर, और ये बन जाएगा एमएन टू, वही जो पढ़ाया गया था केमिकल बॉन्डिंग में, सीओ का होल 10, एमएन टू सीओ का होल 10। तो बोला गया कि यहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डाइमराइज होते ही हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल, ये हो जाएगा मोर स्टेबल। इसका डायग्राम कितने लोगों को याद है, ऐसे कोई लोग नहीं है, चलिए सर पांच पांच सीओ हैं हर एक के पास, ये पांच इनके हो गए, ऐसे इनको भी पांच कार्बोनिल जो होंगे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हो। ये पांच पांच हो गए। डाइमर अगर बनाना है तो इनको आपस में जुड़ना पड़ा होगा, बोलो भैया। और अगर आपको ध्यान आए तो यही बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड है सर, कौन सा बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड, याद करिएगा, बताया था एक फूल यहां रखा है, दो डी ऑर्बिटल इधर देखो अंकल, ये एक डी ऑर्बिटल था और ऐसा ही एक डी ऑर्बिटल यहां पर है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जो एक्सिस है, अगर हम उसे जेड एक्सिस मान लें तो उस पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या कहलाता था, डेल्टा बॉन्ड। खैर अभी के लिए ध्यान होना चाहिए कौन सा बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे वो 72 है, तो पर मेटल कितने मान लिए जाएंगे, फिर 72/2 यानी कि 36, यानी कि ई ए एन रूल को फॉलो कर जाएगा, है ना। कैसे माना गया है, ऐसे माना गया है सर, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है बाय लिगेंड्स कितने मिल रहे हैं बताओ, पूरे मॉलिक्यूल में बताओ, बाय लिगेंड टोटल 10 लिगेंड हैं सर, यानी 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा है सर मेटल के द्वारा कितना मिल रहा है, बाय मेटल, मेटल के द्वारा अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 25 एटॉमिक नंबर है, तो 25 दूनी 50, और हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो बाय डेल्टा बॉन्ड, बाय डेल्टा बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो यही टोटल कितना है 72। क्लियर है मामला, ध्यान रखिएगा, बना लीजिएगा, कल की क्लास जो है वो 1 बजे से रखेंगे सर, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। टेस्ट है तुम्हारा, तो कोई
टेस्ट में कोई छुट्टी करने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ के उतना ही आओगे, है ना। कौन सा तुम तैयारी कर लोगे बहुत, कौन सा तुम्हारे उसमें टॉप कर जाना है, ऐसा कुछ होना नहीं है। तो एक बजे आना, ठीक है ना, एक से तीन पढ़ाएंगे, तीन से चार एक घंटे का गैप दे देंगे, जिसमें आराम से खा पी के अपना तैयार हो जाना, टेस्ट दे देना, उसमें क्या दिक्कत है।